दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खनन पर लगाई है पाबंदी। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया के किलोमीटर के दायरे में सभी तरह के खनन बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और इस प्रकरण में राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लोजर प्लान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। चलिए दिल्ली से सहयोगी गौरव का रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। गौरव, क्या और कहा कोर्ट ने इस मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के मैटर पिछले सालों में दो तीन बार आए हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से जो टाइगर रिजर्व एरिया है वहाँ पर माइनिंग का इशू उठाया गया है। तो वहाँ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे और वहाँ पर किसी भी तरीके के जो खनन है, माइनिंग है, उसको रोकने के आदेश दिए गए थे। अब इस प्रकरण में क्योंकि कई बार कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वहाँ पर खनन को अनुमति मिल रही थी, इसमें एक दूसरा ये आज डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरिस्का टाइगर क्षेत्र, जहाँ पर की वस्तुतः टाइगर मूविंग है, उस क्षेत्र में स्पेशली डायरेक्शन दिए हैं कि उस क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी तरह का खनन नहीं हो। ये मैटर था जहां पर राजस्थान सरकार ने ये मांग की थी कि सरिस्का रिजर्व के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर भी खनन नहीं हो, किसी भी तरह के खनन को रोक दिया जाए। ये मैटर इस तरीके से था, लेकिन वहां पर अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीव दिया है वो ये कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहां पर की टाइगर रहते हैं, उनका विचरण रहता है, वहां पर किसी तरीके की माइनिंग नहीं हो, उनको किसी तरह से नहीं छेड़ा जाए। इस मैटर में स्टेट को डायरेक्शन दिए हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक प्लान बनाना है और किस तरीके से इसको आगे मूव करना है, तो उसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।